तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं दार्जिलिंग में। और एक मिनट इतनी जल्दी भी क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो बात है 14 जनवरी 2024 की, जब हम सुबह 4 बजे 8 डिग्री के ठंड में निकल गए थे गोरखपुर से सिलीगुड़ी के लिए, जहाँ मेरी दीदी का अभी नया नया शादी हुआ है। तो हमारे यहाँ एक रस्म है कि अगर नई नई शादी हुई है तो भाई को अपनी बहन के घर खिचड़ी लेके जाना होता है, और इसीलिए हमने टिकट किया था 13 जनवरी को, ताकि हम 14 जनवरी तक पहुँच जाए। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते हैं। ट्रेवलर तुसार, ट्रेन की टाइमिंग 13 जनवरी रात को 9 बजे थी और 14 तारीख को दोपहर के 2 बजे हम वहाँ पहुंचने वाले थे, लेकिन ट्रेन अगले दिन आती है अपने निर्धारित समय से 9 घंटे लेट 14 तारीख को सुबह 6 बजे और पहुंचाती है हमें अपने निर्धारित समय से 14 घंटे लेट सुबह 4 बजे। दीदी के घर हम 4 दिन रुकते हैं और उसमें 2-3 दिन हम फैमिली के साथ सिलीगुड़ी में घूम के एंजॉय करते हैं, और अगले दिन हमें दार्जिलिंग का प्लान कैंसिल करके कालिम्पोंग जाना था, जहाँ पे दीदी की पूरी फैमिली रहती है, मतलब सारा प्लान कैंसिल। लेकिन नहीं 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 इतनी जल्दी भी नहीं, अगले ही दिन हमारी वो प्लान कैंसिल हो जाती है और फाइनली हम दार्जिलिंग के लिए 4थे दिन निकल ही जाते हैं। तो गाइस आज 18 जनवरी, आज हम लोग का यहाँ पे 4था दिन है। कल हम लोग सिवाक गए थे और मैं तो सारी गए थे, और इसके एक दिन पहले हम लोग गए थे साइंस सेंटर जो कि फैमिली के साथ गए थे, लेकिन आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं दार्जिलिंग। और पहले कलिंगपोंग जाने वाले थे लेकिन वो थोड़ा कैंसिल हो गया जाना, कलिंग के लिए निकल गए हम। और सुबह 5 बजे निकलना था लेकिन इतना ठंडी था हम लोग को जाने का मन ही नहीं किया, तो अभी 7 बज रहे हैं और अभी हम लोग तुरंत घर से निकले हैं। जलपाई मोड़ के पास हम लोग का घर है तो अभी जलपाई मोड़ पे ही खड़े हैं। यहाँ से हम लोग जंक्शन पे जाएंगे और वहाँ से हम लोग को शेयरिंग टैक्सी मिलेगा जो कि 200-300 रुपये लेगा पर पर्सन। तो वहाँ से हम लोग कितने देर में पहुँचेंगे, 2 घंटे पहुँचेंगे ना, 2-2.5 घंटे में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, मतलब दार्जिलिंग में पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं उससे जाएंगे शेयरिंग टैक्सी से जाएंगे, हाँ मिल जाएगा। वही अभी हम लोग जंक्शन पे पहुंच गए, यहाँ पे कुछ ऐसा है, अभी थोड़ा सा यहाँ चाय वाय पियेंगे, उसके बाद हमारा टैक्सी वहाँ पे खड़ा है, वो वाला टैक्सी हमने लिया, उसका ब्लू वाला दिखाई दे रहा है ना, वो वाला टैक्सी हमारा है। तो अभी चाय वाय थोड़ा पीते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। वो उन्होंने बोला है कि 250-250 रुपये पर पर्सन लेंगे, तो ठीक ही है वैसे, ठीक है। तो देखते हैं अभी 2-3 घंटे में बोला तो है कि 2-3 घंटे में पहुँचा देंगे, अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहा है लगभग, तो 9 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर देखते हैं होटल वगैरह लेते हैं अभी या रात को लेते हैं। तो बस अभी चाय वाय पीते हैं, पहले तो गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडी भी है। चाय पी के हम थोड़ी देर में टैक्सी में बैठ जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद हमें पहाड़ दिखाई देने लगता है। हम जितने ही आगे बढ़ते हैं हमें एक से बढ़ के एक खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब सारी चीज़ तो दिखा नहीं सकते पर कुछ तो तुम देख ही लो। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं दार्जिलिंग में, यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा है, पता नहीं कौन सी जगह है मॉल रोड, यहाँ से भी हम लोग को जाना है। और रास्ते में बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा अच्छा व्यू था, लेकिन अभी पता नहीं कौन कौन सा क्लिप में डालूंगा ये भी मुझे पता नहीं है। और अभी जाते हैं पहले होटल वगैरह देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे घूमना है, ठीक है चलो। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे उतरे ही हैं और ठंडे भी मतलब स्टार्ट हो गया, लग रहा है हाथों से जमना शुरू हो गया है। पहले ही होटल ले लिया जाए, पहले होटल ले लेते हैं, टाइम हो रहा है 10:30 बज रहा है, मिलेगा अभी। तो अभी जाते हैं पहले देखते हैं होटल वगैरह देखते हैं, बैग रखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके फोन चार्ज करते हैं, उसके बाद निकलते हैं क्योंकि अभी ठंडी लगने लगी है, मतलब उसमें तो नहीं लग रही थी लेकिन जैसे नीचे उतरे ना ऐसे धीरे धीरे फील हो रहा है ना, मतलब कि ठंडी बढ़ रही है, हाथ पैर में ठंडी लग रही है। जब हम लोग ना होटल ढूंढ रहे थे तो मतलब हम लोग मॉल रोड के साइड से आ रहे थे कि थोड़ा शांत जगह होटल चाहिए था, तो हम लोग इसे गुजरी रहे थे ना, तब तक हमें एक व्यू दिखा दिया, ठीक है दिखाता हूँ एक बार। वहाँ से हम लोग निकल तो गए हैं और भैया एक भैया मिले थे हम लोगों को नेपाली, वो बता रहे थे कि होटल आगे जाके मतलब बहुत सारे होटल्स हैं, लाइन से बहुत सारे होटल हैं, तो जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ, भी ठंडी लग रही है, भूख भी लगी हुई है, जाके खाना वाना खाते हैं। एक ही रूम में 12 लोग, 4 से 8 हो गए। तो क्या जब हम लोग को एक होटल मिला था जिसका नाम था होटल
शिलोंग द माउंटेन व्यू है और फिलहाल हमें ये अंकल मिले हुए हैं। इन अंकल का ही है सब कुछ और यहाँ से कुछ व्यू ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब ये ना कॉर्नर में ही है और इतना। ये अंकल भी यूपी से ही हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, शायद सबको ही करते होंगे। हाई कर दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, एड्रेस एड्रेस बता दीजिए होटल का। होटल का एड्रेस है लोअर तुनसुक रोड, जस्ट नियर टू मॉल चौरस्ता, 290 meters, 3 minutes वॉकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी अंकल मेरे को सारा होटल वगैरह दिखा रहे हैं, रूम हम लोग का अभी नीचे रेडी हो रहा है, तो अगर यहाँ पे आना तो अंकल के होटल में चेक इन कर सकते हो। रेट बहुत ज़्यादा थे लेकिन अंकल ने हम लोग के लिए थोड़े से कम कर दिया है, क्योंकि यूपी के हैं तो हम लोग थोड़े से हम लोग को डिस्काउंट तो दिया। अंकल सबको डिस्काउंट देते हैं ना या बस यूपी वालों को देते हैं? सबको देते हैं। तो ठीक है, आना तो एक बार देखना, हम लोग अभी रूम रेडी हो रहा है, चलते अभी रेस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा मेरे पास स्टोरेज है, 14,000 liter का स्टोरेज है। अच्छा, पानी की कमी नहीं होती लेकिन दाल में पानी की बहुत कमी है। तो गाइस अभी हम अपने रूम में आ गए हैं और हमें रूम ये वाला कुछ मिल गया है। इस रूम का चार्ज लगभग 3,000 के आसपास था, 50% डिस्काउंट चल रहा था, लेकिन अंकल हमें यूपी वाले होने की वजह से थोड़ा सा और डिस्काउंट कर दिया अंकल ने। बेसिकली ये कपल रूम है, ये रहा रूम कुछ। अभी हमने आके यहाँ थोड़ा सामान फैला दिया। और हाँ, इस रूम की सबसे अच्छी बात दिखाऊं, ये देखो, ये व्यू देखो रूम का, मतलब पूरा व्यू वाला रूम दे दिया अंकल ने हमें और इतने अच्छे प्राइस में दे दिया। और यहाँ पे ये भी है और ग्लास वगैरह तो है। और यहाँ का मैं वॉशरूम दिखाता हूँ, वॉशरूम भी ठीक है, हम दो लोग गए तो ये वॉशरूम और साफ भी है, तो और क्या ही चाहिए। ज़्यादा देर तो रूम में रुकना नहीं हम लोगों को, और जितने देर रुकेंगे वहाँ से ये व्यू तो अच्छा आएगा ही। तो ठीक है, रूम तो अच्छे मिल गए हैं, अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं दार्जिलिंग घूमने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग नाथ बाग के हो गए रेडी और अभी यहाँ से निकलने वाले हम लोग महाकाल टेंपल। हो सकता है महाकाल टेंपल ना जाए, कल जाए, अभी भूख भी बहुत ज्यादा लगी। पता है सुबह से हम लोग ना घर से चाय भी पी के नहीं निकले थे, क्योंकि हम लोग घर से 7 बजे निकल गए थे, निकला तो 5 बजे था लेकिन सोए रह गए तो 7 बजे निकले थे, फिर भी कुछ खा पी के हम लोग निकल नहीं पाए थे। तो अभी जाएंगे, थोड़ा खाएंगे पियेंगे, उसके बाद आगे जाके डिसाइड करेंगे कहाँ पे जाना है, अभी कुछ फिक्स करके नहीं जा रहे। ठीक है, आगे जाके लोगों से पूछेंगे यहाँ पे क्या क्या है, क्या चीज पास में, वहां जाके ऐसे ही घूमेंगे। ठीक है, और अभी जो रूम के आगे का जो व्यू था ना मेरा, ये देखो ये बादल जो थे अभी थोड़े पहले मैंने दिखाया होगा तो वो थोड़े पीछे होंगे। ठीक है, अभी देखो चल के आगे आ गया ना इसके, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जाके छत पे थोड़े से फोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग वहां से निकल गए हैं और हमने कुछ ये आउटफिट पहना हम दोनों ने, और अभी जाके कुछ खाते वाते हैं। 3 बजने वाले हैं और भूख बहुत जोर से लगी हुई है, तो जाके अभी बस हम लोग रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं और रेस्टोरेंट ढूंढ के फिर उसके बाद ही कुछ करते हैं। तो वैसे अभी खाना वाना खा लिए और वो आंटी जो थी ना नेपाली आंटी थी वहाँ पे, उन्होंने मतलब खाना घर की तरह ही बना के दिया था एकदम। मैं भाई एकदम घर की तरह था, वो जो चिकन था ना वो एकदम मतलब घर का ही लग ही रहा था, चावल दाल भी था और दाल पता नहीं कैसे ग्रीन कलर का था लेकिन अच्छा लग रहा था। तो हम लोग ना मतलब आंटी का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा था, तो अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं ना कि शाम को भी जाके वहीं पे खाएंगे और कल रुके तो कल भी जाके वहीं पे खाएंगे। तो ठीक है, अभी देखते हैं पहले कहाँ पे जा रहे हैं घूमने के लिए। अभी महाकाल मंदिर तो जा नहीं सकते क्योंकि चिकन वगैरह खा लिया है ना, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पे जाते हैं, पूछ के ही जाएंगे सबसे। तो गाइस हम लोग कब से अभी ना एक पार्क पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत देर से हम लोग ना मतलब ऊपर से ऐसे ऊपर से नीचे जा रहे थे, तो वो मतलब ईजी था, वो तो ईजी था मतलब आराम से चढ़ जा रहे थे। और अभी किसी ने बताया ना कि मतलब नीचे नहीं जाना था ज़्यादा, पहले छोड़ के आ गए, मतलब उतरने में तो ईजी था उतर गए, अब चढ़ने में हालत ख़राब हो रहा है, पता नहीं कितने देर से चढ़ी पहले बहुत देर तक उतरे, अभी बहुत देर चढ़ रहे, अभी गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा, अभी सांस भी फूलने लगा है, पता नहीं कितने ऊपर अभी और जाना है, उसके बाद पार्क पता नहीं कहाँ है पार्क है। अभी हम लोग जो पार्क ढूंढ रहे थे वो पार्क मिल गया, अभी यहीं से गए थे, बोर्ड वहाँ सामने लगा हुआ है और अभी इतना चढ़ के आए हैं, अभी इसके ऊपर भी चढ़ना है, ये देखो अभी यहाँ भी चढ़ना है, चढ़ते हैं, अभी यहाँ भी चढ़ना है, देख लो ले लियो। गाइस पता नहीं हम लोग कितने ऊपर आ गए, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रहा है, वो देखो हम लोग पता नहीं उधर से हम लोग होते हुए इधर से पूरा करके नीचे से बहुत बहुत दूर तक आ गए हैं और अभी तक पार्क मिला नहीं है, जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तुषार आगे चला गया, मैं यहीं पर रुक गया क्योंकि मैंने तुषार को बोला जा तू आगे देख के, अगर पार्क मिलेगा तो मुझे बुला लेना, मैं नहीं जाऊँगा, पूरा गर्मी हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। चल
गाइस इतने ऊपर चढ़ के आए, इतने ऊपर चढ़ के आए पार्क देखने के लिए। इतना बेकार पार्क था, हम लोग अंदर भी नहीं गए, मेहनत बेकार हो गया, इतने ऊपर चढ़ के आए तो पार्क टिकट भी नहीं ली हम लोग जाके। इतना बेकार पार्क था, कुछ था ही नहीं उसके अंदर। इससे पार्क अच्छा पार्क तो हमारे गोरखपुर में। अभी फिर से जाना है उतने नीचे, चलो नीचे जाना है तो चले ही जाएंगे, उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ऊपर चढ़ के आए टाइम वेस्ट हुआ वो अलग हो गया। तो गाइस अभी हम लोग तो पार्क में जा नहीं पाए थे, तो यहाँ पे हम लोग किसी मार्केट में आ गए हैं। और देखो यहाँ पे ना मतलब सब लोग बैठे हुए लाइन से वाइब ले रहे हैं। तो अभी पार्क में जाना तो कैंसिल हो गया, और यहीं पे थोड़ी देर बैठेंगे रेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी वाइब भी अच्छी आ रही है, गाने वाने थोड़े से बज रहे हैं। तो यहीं पे थोड़ी देर बैठेंगे, फिर जाके होटल में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर रात को निकलेंगे, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:15 और हम लोग अभी होटल में आ गए हैं, क्योंकि मौसम देख लो एक बार बाहर का, 4 बज रहे अभी। ठंडी पता नहीं कैसे अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई है, वहाँ पे लोग अभी बैठे हुए थे तो हम लोग सोचा कि घर पे चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद रात को निकलेंगे बाहर। लाइट वगैरह भी जलेंगी सिटी में तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बहुत ज्यादा थक गए हैं, सिर पे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं उसके बाद निकलते हैं रात को। ठंडी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई अचानक से, पता नहीं कैसे धूप ही चला गया। तो क्या अभी टाइम हो रहा है शाम के 7, और अभी टेम्परेचर पता कितना है, कितना टेम्परेचर बता, 5 डिग्री टेम्परेचर है, 5 डिग्री टेम्परेचर। इसलिए पूरा मैं पैक हो गया हूँ, तुसार भी पैक हो रहा है देखो अंदर से, मतलब वो ब्लू वाला पहना था ना मैंने, उसके नीचे मैंने रेड कलर का हुडी पहना है, और उसके ऊपर से मैंने ये पहना, उसके ऊपर से मुफलर डालूंगा। तो बाहर जाके अभी तो अंदर ही ठंडी लग रही है, बाहर जाके पता नहीं क्या होगा जाके देखते हैं, क्योंकि अभी अगर हम लोग सिटी में है तो लाइट्स वगैरह तो जलेंगी ना कुछ ना कुछ, तो मतलब थोड़ा अच्छा ही लगेगा, पहाड़ पे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए हम लोग रात को जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, देखते हैं अगर रात को भी क्या पता कुछ एंटरटेनमेंट के लिए मिल जाए, क्योंकि कहीं कहीं जगह होते हैं ना कुछ डांस वगैरह कर रहे होते हैं, तो अगर वो मिल जाए तो वहीं पे बैठेंगे, और कहीं आग मिल जाए तो आग के पास ही जाके बैठेंगे। अभी हम लोग होटल से तो निकल गए हैं, अभी से ही मतलब ठंडी होना स्टार्ट हो गया, हाथ जमना शुरू हो गया है। जिस तरफ हम लोग का होटल है उधर तो मतलब पूरा सन्नाटा हो गया है, थोड़ा नीचे के साइड में है ना, और उधर बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है। देखते हैं थोड़ा सिटी के साइड में जाके अभी वहाँ पे लाइट वगैरह है कि नहीं है, यहाँ से चढ़ने में हालत खराब हो जा रहा है। हमारी होटल की तरफ इतने शांति होने के बाद हमें लगा था कि सब सो गए होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। वहाँ के मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ थी, दिन में जहाँ काफी सारी गाड़ियाँ थी, रात में वहाँ पे लोग कपड़े बेच रहे थे और कुछ स्ट्रीट फूड। जब मार्केट के साइड तो आ गए हैं, हम लोगों के होटल के साइड में थोड़ा सा शांत था, मतलब बहुत ज्यादा शांत था, और ये मार्केट में तो मतलब कुछ ज्यादा ही भीड़ है। देखो आगे तक पूरा भीड़ है, मतलब हम लोग सोचे कि मतलब सब कुछ बंद हो गया होगा, लेकिन यहाँ तो वो सब कुछ खुला ही है। अभी जाएंगे, अभी कुछ खाएंगे, स्ट्रीट फूड खाएंगे, उसके बाद होटल में खाना ऑर्डर करके ही आए हैं। यहाँ जाके थोड़े स्ट्रीट फूड वगैरह खाएंगे और कुछ कपड़े देखेंगे। हेलो सुमित, कैसा है? तो क्या जब हम लोग होटल पे आ गए हैं, हमने थोड़ा वहाँ पे मोमो खा लिया, और ये क्या है चिकन चिली वहाँ पे पैक करा के लिए घर पे लेके आ गए, और खाना हमने घर पे ऑर्डर कर दिया, तो खाना अभी हम लोग का आ रहा है। और अगर कल 3 बजे हमारी नींद खुल गई सुबह, तो हम लोग चले जाएंगे टाइगर हिल को देखने के लिए, अगर नहीं खुली तो ठीक है। अभी अगर इतनी ज्यादा ठंडी है तो फिर 3 बजे तो पूरा हालत ही खराब हो जाएगा, तो देखेंगे वो 3 बजे उठ के अगर टेम्परेचर थोड़ा ठीक रहेगा तो जाएंगे, ना फिर घर में ही सोएंगे। कल तो 2-3 जगह घूमने के लिए जाना ही है, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और कल वाले ब्लॉग को देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल हम लोग 2-3 जगह जाने वाले हैं, आज तो जा नहीं पाया, कल पक्का जाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं कल, ठीक है।